हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आरिफ मजा शेख और आप देख रहे हैं डॉक्टर आरिफ एक्सक्लूसिव वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इस वीडियो में हम खास तौर पर मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर फोकस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी महिलाओं के कंसीव करने की बात आती है तो उस महिला की फर्टिलिटी और उसकी सेहत, उसकी माहवारी के बारे में डिटेल में बात होती है, जबकि उसके पुरुष पार्टनर की कोई जिक्र ही नहीं होता है। अगर कोई पुरुष पिता नहीं बन पा रहा है और उसके फीमेल पार्टनर की सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में मेल पार्टनर की भी कुछ टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं, जिससे ये पता चल सके कि इस इनफर्टिलिटी के पीछे कहीं उसका पुरुष पार्टनर तो कारणवश नहीं है। इस वीडियो में हम आपको ऐसे कुछ टेस्ट के बारे में बताएंगे जिसकी मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि किसी कपल में कहीं पुरुष तो इनफर्टिलिटी के पीछे कारण नहीं है। इस कंडीशन में सबसे पहले जो फैक्टर देखा जाता है वो है मरीज की मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें मरीज की फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। इस फिजिकल एग्जामिनेशन में मरीज को पाए जाने वाली अनुवांशिक बीमारियों के चांसेस, उसके स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, अगर उसे कोई लंबे वक्त तक चलते आ रही बीमारी है तो उसकी कंडीशन, और मरीज को प्राइवेट पार्ट पर हुई इंजरी और सर्जरी के बारे में पूछा जाता है। वहीं डॉक्टर्स मरीज की यौन आदतें और उसके प्यूबर्टी की उम्र में उसके यौन अंगों के विकास के बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर टेस्ट की बात करें तो सबसे पहला टेस्ट जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं वो है सीमेन एनालिसिस। सीमेन एनालिसिस का सैंपल कभी भी डॉक्टर के क्लिनिक में कलेक्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है। सीमेन एनालिसिस में मरीज के स्पर्म काउंट, स्पर्म की शेप, उसकी स्पीड और उसकी इररेगुलरिटीज का पता लगाने के लिए इस सैंपल को लैब में भेजा जाता है। लैब में सीमेन के अंदर इन्फेक्शन जैसी समस्या का भी पता चल जाता है। अगर सीमेन एनालिसिस में कुछ मिल जाए तो उसके बाद दूसरा टेस्ट करवाने की जो ज़रूरत होती है वो है स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड। इसमें जिसब के अंदर की तस्वीरें ली जाती है, जो हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके ली जाती है। स्क्रोटल अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर ये देखते हैं कि मरीज की टेस्टिस, उसके आजू बाजू के ऑर्गन्स की संरचना सही है क्या नहीं है, या मरीज को वेरिकोसिस जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। वहीं पुरुषों में इनफर्टिलिटी का पता लगाने के लिए ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, जिसमें मरीज की गुदा के अंदर एक छोटा सा लुब्रिकेटेड वॉट डाला जाता है। इससे डॉक्टर प्रोस्टेट की जाँच करते हैं और सीमेन में जाने वाली नलियों के ब्लॉकेज को चेक करते हैं। तीसरा टेस्ट जो इनफर्टिलिटी में किया जाता है वो है हार्मोनल टेस्टिंग। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन्स, जो हमारे टेस्टिस को के यौन विकास और स्पर्म उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। ब्लड ऑर्गन ब्लड्स में इन चेंजेस को आसानी से पकड़ा जाता है। मरीज के ब्लड में टेस्टोस्टेरोन और दूसरे हार्मोन की जाँच की जाती है। इसके अलावा पोस्ट इजैकुलेशन यूरिन एनालिसिस भी किया जाता है। अगर किसी मरीज के ये सभी टेस्ट नॉर्मल निकलते हैं तो मरीज को जेनेटिक टेस्टिंग भी की जाती है। जब मरीज की स्पर्म की मात्रा बहुत कम हो और दूसरी कोई वजह समझ नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर मरीज को जेनेटिकल टेस्टिंग की एडवाइस देते हैं। हमारे जिस्म में पाए जाने वाले वाई क्रोमोसोम में अगर किसी भी तरीके का बदलाव पाया जाता है तो उसका पता हम ब्लड टेस्ट से लगाया जा सकता है। जन्मजात या अनुवांशिक सिंड्रोम का पता लगाने के लिए भी जेनेटिक टेस्टिंग की जा सकती है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड स्पर्म फंक्शन टेस्ट भी होता है, जिसमें मरीज के एजुकेशन के बाद के स्पर्म के एक्टिव रहने का पता लगाया जा सकता है। और इन्हीं टेस्ट की मदद से और इन टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर डॉक्टर मरीज मेल मरीज के इनफर्टिलिटी और उसके आगे के ट्रीटमेंट की दिशा निर्धारित करते हैं। अगर कोई कपल किसी कारणवश अपने बच्चे का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा है और उसके फीमेल पार्टनर्स की पूरी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो ये बताए गए टेस्टेस के वो इस्तेमाल करके अपने अंदर पाए जाने वाले डिफेक्ट्स को सही कर सकते हैं और उसका इलाज बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेल इनफर्टिलिटी को परखने के लिए कुछ टेस्टेस के बारे में कुछ संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।